हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट स्टडी आईएएस प्लेटफॉर्म। आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा करंट अफेयर से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 को टारगेट करके। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स पॉलिटिक के रहेंगे, कुछ इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट और जितने भी करंट के मुद्दे रहेंगे, उन सभी को हम पर लेक्चर वाइज 2020 के टारगेट करके हम उसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर C1 मीन्स क्लास फर्स्ट, तो यह लेक्चर फर्स्ट आज हमारा रहेगा। इसमें फर्स्ट न्यूज है आज हमारी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो क्या क्या अमेंडमेंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था 2018 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अग्रिम जमानत देने की बात की थी और FIR बिना जांच के द्वारा लिखने के लिए मना किया था। तो उन्हीं को चेंज किया गवर्नमेंट ने, वापस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स किया। तो इस अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया कि एंटिसिपेटरी बेल मिस अग्रिम जमानत अब किसी व्यक्ति की नहीं होगी जो SC ST एक्ट के तहत अगर उस पर ऊपर कोई भी केस दर्ज किया जाता है। तो प्राथमिक जाँच मीन्स प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की जाएगी फॉर रजिस्टर FIR रजिस्ट्री के लिए, फॉर रजिस्टरिंग केस कोई उसके विरुद्ध क्रिमिनल केस लाने के लिए और उसके अरेस्ट करने के लिए प्राथमिक जांच की जरूरत नहीं है। अरेस्ट के लिए किसी के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। अभी जो SC ST एक्ट था 1989, इसके तहत किसको बढ़ावा देता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी एंड राइट टू इक्वलिटी, इनको बढ़ाने के लिए काम करता है। स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए इसमें प्रावधान है और ये इम्पोर्टेंट है कि इस एक्ट के तहत रूल बनाने का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और रूल इम्प्लीमेंटेशन कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स। सेकंड टॉपिक है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2019। ये 2017 के बाद 2019 में रिपोर्ट आई 2017 की, इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है बस इतना सा याद रखना। इसमें जितने भी क्राइम रिपोर्ट से रिलेटेड क्राइम के मामले थे और रजिस्टर्ड मामले बढ़े हैं, राज्य के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं, साइबर क्राइम बढ़े हैं, बच्चों के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं, SC ST के विरुद्ध भी अपराध बढ़े हैं। तो ये स्टेटमेंट में दे देगा UPSC की अपराध घटे हैं, क्राइम घटे हैं या बढ़े हैं। जेल से संबंधित क्या क्या फाइंडिंग्स आई है कि जेल की संख्या यहाँ पर घटी है, नंबर ऑफ जेल्स घटे हैं बट जेल में क्षमता से ज़्यादा कैदी की संख्या है, जेलों में मृत्यु जो कैदियों की हुई है वो बढ़ी है और विचाराधीन जो कैदी हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है। इकोनॉमी से रिलेटेड दो टॉपिक लिए हम। थर्ड टॉपिक हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, ये जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। इंडिया की इसमें रैंक थी 2019 में 63 रैंक, 2018 में हमारी 77th रैंक थी। ये 190 इकोनॉमीज को लेकर और 10 पैरामीटर्स के आधार पर काम करती है। दो पैरामीटर्स को भी इस बार कंसिडर किया गया लेकिन रैंकिंग में उनको काउंट नहीं किया गया है, एम्प्लॉइंग वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टिंग विथ गवर्नमेंट। इंडिया का लगातार तीसरी साल सर्वाधिक सुधार वाली 10 इकोनॉमीज में शामिल है। रीजन क्या था इसका, स्टार्टिंग ए बिजनेस, कंस्ट्रक्शन परमिट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, रिजोल्विंग इंसॉल्वेंसी, इनमें इंडिया ने बहुत बेहतर काम किया है। अब ये डूइंग बिजनेस 2020 में 10 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग ए बिजनेस, डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कैसे है, कितनी आसानी से हो जाती है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में कितना प्रॉब्लम आता है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कैसी है, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और रिजोल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी मीन्स अगर कोई पैसा नहीं देता बैंक और कंपनी तो रिजोल्विंग कितना आसानी से हो जाता है। इंडिया की रैंक 63 है विथ डूइंग बिजनेस स्कोर, हमारा बिजनेस स्कोर कितना रहा है, 71 out of 100। डाटा हमने कलेक्ट किया है दिल्ली और मुंबई का ओनली, इसमें फ्यूचर में कोलकाता और बेंगलुरु का भी डाटा इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसमें एक वर्ड आता है डिस्टेंस टू फ्रंटियर, इसकी जगह बिजनेस डूइंग बिजनेस स्कोर कर दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा स्कोर जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है उससे किसी देश का कितनी दूरी है, कि कंस्ट्रक्शन परमिट देने में अगर 10 दिन लगते हैं मिनिमम तो हमारे यहाँ अगर 70 दिन लग रहे हैं तो उसका स्कोर काउंट कर लिया जाएगा, मीन्स सबसे बेस्ट स्कोर यहाँ 100 है तो उससे कितना हम दूर हैं।
फोर्थ नंबर का टॉपिक हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019, ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का 2017 में 63, 2018 में 58, 2019 में 68, मीन्स 10 रैंक हमारा गिर गया। ये किस बेस पे आधारित है? ये चार कैटेगरीज एंड 12 डायमेंशंस, चार कैटेगरीज किस किस आधार पर? एनेबलिंग एनवायरनमेंट कैसा है, मार्केट कैसा है, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन इकोसिस्टम कैसा है। ह्यूमन कैपिटल में दो चीज़ है, हेल्थ एंड स्किल्स कैसी है किसी देश में, मार्केट में प्रोडक्ट मार्केट कैसा है, लेबर मार्केट कैसा है, मार्केट का साइज क्या है। इन सभी आधारों पर 12 जो डायमेंशन है इनके आधार पर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकाला जाता है। और एंड टॉपिक नंबर 3 और 4 से 2019 के यूपीएससी प्रीमी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा कार्बन प्राइजिंग एंड कार्बन प्राइजिंग लीडरशिप कोलिशन। तो यहाँ पर ये जो सीपीएलसी है एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है, स्वैच्छिक पहल है। इसका सेक्रेटरीट को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसके सचिवालय को प्रशासित करता है। इसका कार्य क्या है? सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्बन प्राइजिंग। अभी कार्बन प्राइजिंग क्या होता है अभी हम देखेंगे। ये गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी और एकेडमिक सभी को एक जगह लेकर आता है, स्वैच्छिक पहल है। अब कार्बन प्राइजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ी जाती है एनवायरनमेंट में कोई भी देश के द्वारा, तो उन ग्रीन हाउस गैसेज के कारण कितना ज़्यादा किसी को नुकसान होता है, तो उसका प्राइस लगाना, यही क्या है कार्बन प्राइजिंग। इसमें फसल को कितना नुकसान हो रहा है, हीट वेव्स जो चल रही है उसके कारण कितना आदमी मर जाते हैं या उनको कितना नुकसान होता है, ड्राउट, बाढ़, समुद्री जल स्तर के बढ़ने के कारण कितनी संपत्तियों को नुकसान होता है, इन सभी की लागत लगाकर फिर उनका भुगतान करना, ये क्या है कार्बन प्राइजिंग। इसमें भुगतान करने के लिए कई तरह के अपनाए जाते हैं, जैसे एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। अगर किसी देश को एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट दिया जाता है कि इससे ज़्यादा कार्बन आप उत्सर्जित नहीं कर सकते, अगर उससे ज़्यादा उत्सर्जित करता है और जिस देश ने कार्बन कम उत्सर्जित की तो उसको पैसा देना पड़ेगा। मीन्स या कार्बन का आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट्स का। कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी इसे कहते हैं। कार्बन टैक्स लगा दिया जाता है कि जो भी कार्बन ज़्यादा छोड़ते हैं जैसे डीजल पेट्रोल, उन पर इंडिया में जैसे एनवायरमेंटल सेस लगा दिया जाता है, स्वच्छ पर्यावरण सेस। ऑफसेट सिस्टम जिसमें परियोजनाएं लगाई जाती है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स। 6 नंबर टॉपिक हमारा ड्राफ्ट सीड बिल 2019, बीज विधेयक 2019 का मसौदा। तो बीज को लेकर इंडिया में चुनौतियाँ क्या क्या है? उत्पादकता कम है, क्योंकि जब हम परंपरागत बीज लेते हैं देसी बीज तो उनकी उत्पादकता कम है। हाइब्रिड सीड की लागत ज़्यादा है। सीड जो मार्केट में मिलते हैं उनकी गुणवत्ता कम रहती है, कई बार नकली सीड दे दिए जाते हैं। और निम्न बीज प्रतिस्थापन दर है इंडिया में, जैसे दलहन के लिए 20, राइस और वीट के लिए 30। मीन्स निम्न बीज प्रतिस्थापन दर का मतलब क्या होता है? लो सीड रिप्लेसमेंट रेट। मीन्स जब भी कोई नई फसल हम किसान उगाते हैं तो जो देसी बीज हैं उनकी जगह हाइब्रिड बीज या प्रमाणित बीजों को कितना यूज करते हैं, सर्टिफाइड सीड को कितना ज़्यादा यूज करते हैं अपने एरिया में, उसको बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट। अब इस जो बिल है इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? इसमें कहा गया है कि प्रतिस्थापन किसका किया जाएगा? सीड एक्ट 1966 को प्रतिस्थापित किया जाएगा। सभी किस्मों का पंजीकरण मीन्स रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। कंपनी पहले सेल्फ सर्टिफिकेशन कर लेती थी, लेकिन अभी सेल्फ सर्टिफिकेशन कोई कंपनी अपनी सीड का नहीं कर सकती, उसकी जगह पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और अनिवार्य सीड सर्टिफिकेशन करवाना जरूरी है। किसानों को, अगर कोई किसान कोई वैरायटी निकाल रहा है, खुद का बीज बेच रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, बट ब्रांड के नाम से वो नहीं बेच सकता। ट्रांसजेनिक अगर कोई किस्म है, मिस ट्रांसजेनिक अगर कोई वैरायटी है, जीएम कोई क्रॉप है, तो पर्यावरण से संबंधित पहले उसके सारे टेस्ट किए जाएंगे, उसी के बाद उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। साथ ही में इसमें क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं, मीन्स अगर कोई सीड गलत निकल जाता है तो किसान को उसकी कंपनसेशन देना पड़ेगा कंपनी को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक नोबेल प्राइज कितना सा, याद रखना, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी का। इस बार मानव कोशिकाओं पर ऑक्सीजन का स्तर कम या ज़्यादा होने से क्या प्रतिक्रिया होती है? वायुमंडल में भी ऑक्सीजन कम ज़्यादा होने से क्या प्रतिक्रिया रहती है? इसमें कहा गया कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो किडनी से एक इरिथ्रोपोइटोन हार्मोन निकलता है और वो एक प्रोटीन हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर को बढ़ा देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल अपने आप सेल में बढ़ता है। केमिस्ट्री का लिथियम आयन बैटरी के लिए दिया गया है। लिथियम आयन बैटरी ये एक रिचार्जेबल बैटरी है,
इसका यूज हम स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड लैपटॉप इन सभी में करते हैं। इसका लाभ क्या है, इसमें ऊर्जा की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, साथ में वजन कम है, बट चुनौती क्या है, ये कभी कभी गर्म होकर ब्लास्ट हो जाती है और इसका प्राइस भी ज़्यादा है निकिल एंड कैडमियम की बैटरी से। फिजिक्स का इस बार नोबेल प्राइज किस लिए दिया था, कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और अर्थ में अर्थ प्लेस इन द कॉस्मोस, अर्थ का हमारे यहाँ क्या स्थान है। 8 नंबर का टॉपिक हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि पहले हम जैसे कोई डाटा रहता था, डाटा को हम पेन ड्राइव इनमें हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखते थे, बट अब कोई भी हमारा डाटा रहे वो नेट, मतलब फिजिकली हम उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट से हम डाटा ले सकते हैं, इंटरनेट के आधार पर डाटा का लेन देन कर लेते हैं। तो डाटा का स्टोर और एक्सेस जो है इंटरनेट पर जब होता है तो इसे बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। बट कई बार क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग से जब हमको कोई डाटा लेना रहता है तो डाटा प्रोसेसिंग स्लो रहती है, मीन्स उतनी तेज़ी से नहीं आता, जैसे 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का बफरिंग होता है। बट क्लाउड और जो हमारा मेन, जो हमारा कंप्यूटर सोर्स जहाँ पर हम कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं डाटा का, करना है हमको लेना है, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक अगर एज कंप्यूटिंग ला दिया जाए, जहाँ पर क्लाउड से जाने के बीच में और हमारे जो सोर्स है जहाँ पर हम यूज कर रहे हैं डाटा को, उनके बीच में अगर दूरी कम कर दें इन दोनों के बीच में, तो उसी को बोलते हैं एज कंप्यूटिंग, जिसमें डाटा प्रोसेसिंग थोड़ा सा रियल टाइम में होती है, फास्ट होती है, और जो गैप होता है वो कम हो जाता है। तो एज कंप्यूटिंग क्या होती है, एनालाइज प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफर डाटा बाय स्पीड से करता है, एंड सिक्योरिटी भी इसकी फास्ट रहती है, साथ में लेटेंसी जो है एक विलंबता वो क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी, मीन्स यहाँ रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा रहती है। मीन्स जो हमारा स्टोरेज है कहाँ हो रहा है, क्लाउड में जाके हमारा स्टोरेज हो रहा है, तो मेन हमारा केंद्र कहाँ है यहाँ डाटा स्टोरेज का, क्लाउड। उससे पहले ही अगर हम प्रोसेसिंग कर ले हमारे डाटा को, उसी को बोल रहे हैं हम एज कंप्यूटिंग। 9th नंबर टॉपिक हमारा जियोटेल, ये चंद्रयान 2 के साथ न्यूज में आया है। इसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर, मिस क्लास लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मून की सोइल में एलिमेंट्स का पता लगाने के लिए इसको भेजा गया था। अब ये जियोटेल होता क्या है, सोलर विंड्स चलते हैं जिसमें बहुत सारे आवेशित कण निकलते हैं, थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, तो इसके कारण हम यहाँ डायग्राम में देखो, ये जो चारों तरफ गोल बना हुआ है, एक अर्थ बना हुआ है रेड कलर में, साथ ही में ब्लैक कलर में जो सर्किल है वहाँ पर एक डॉट का निशान है, वो लूनार की ऑर्बिट है, और लूनार ये छोटा सा डॉट है जो ब्लैक, वो है लूनर, तो ये घूमता रहता है। यहाँ पर जो डॉट बने हुए हैं, ये पृथ्वी का अपना क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, बट सोलर विंड्स के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड आगे खिसक रहा है और ये एक छोटे मैग्नेटिक फील्ड में बदल रहा है, और इसी में लूनार ऑर्बिट, लूनर जो है वो अपना चक्कर लगाएगा और इस चुंबकीय क्षेत्र में 6 दिन तक रहता है। ये जो आगे बढ़ जाता है क्षेत्र, एक टेल के समान जो इसकी संरचना बन जाती है चुंबकीय क्षेत्र की सिकुड़कर, इसी को बोलते हैं क्या, जियो टेल। तो आप याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड किसका, पृथ्वी का, जो सोलर विंड्स के कारण एक टेल में चेंज हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, जियो टेल। 10 नंबर का हमारा टॉपिक है जेमिनी, गगन एनेबल्ड मैराइन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ये विकसित किया गया था इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विस एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, जब महासागर में बहुत दूरी तक और अंदर तक जब मछली को पकड़ने के लिए मछुआरे जाते हैं, तो उनके लिए उपग्रह आधारित परामर्श सेवाएँ, सर्विलेंस एंड उनके लिए थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड करना कि कब चक्रवात आएंगे, कब साइक्लोन आएंगे, तो कहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा है, ये सभी परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए। इसमें गगन क्या है, गगन एक GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन सैटेलाइट हमारा प्रणाली है। ये विकसित किया गया था इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट यूज किए गए हैं, GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15, और ये संपूर्ण जो कंप्लीट हमारा हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, उसका सर्विलेंस करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा फर्स्ट लेक्चर था आज करंट से रिलेटेड, जिसमें हमने गगन, जेमिनी, जियोटेल, क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेज एज कंप्यूटिंग,
नोबेल प्राइज किस किस क्षेत्र में मिले हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ड्राफ्ट सीड बिल, कार्बन प्राइजिंग, CPLC, उसके बाद ग्लोबल कंपिटिवनेस रिपोर्ट 2019, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2019 एंड SC/ST एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018, इन सभी का हमने डिस्कशन किया है। इसी तरह की सीरीज लगातार अब आपके पास आती रहेगी, जिससे हम कंप्लीट करंट अफेयर्स 2020 के वो हम कंप्लीट करेंगे, उनसे बाहर क्वेश्चन आने के कम चांस रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर आवर फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू।